हेलो एस्पायरेंट्स, 13 फेब की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 17 न्यूज आइटम्स है जो हमने पिकअप की है, हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है होम मिनिस्ट्रीज वेबसाइट हैक। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट हैक की गई है। हालांकि मिनिस्ट्री रिजेक्ट कर रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बट उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ कंप्लेन लॉन्च किया है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ दिल्ली पुलिस ये केस के ऊपर भी देख रही है कि क्या क्यों क्या रीजन है, क्या हुआ है। तो इज इन्वेस्टिगेटिंग इन द मैटर। तो पहले भी ये हो चुका है, पिछले महीने ही जैन 2017 में एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया गया था। यहाँ पे सस्पेक्टेड है कि पाकिस्तानी अफिलिएटेड ऑपरेटिव्स थे, ये पाकिस्तानी लोग जिन्होंने पूरी वेबसाइट को डिफेस किया था और मैसेजेस डाले थे, ऑब्सीन मैसेजेस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, एंटी नेशनल कंटेंट डाला गया था। तो ये हैकिंग वेबसाइट्स, ऑफिशियल वेबसाइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट हैकिंग के केसेस काफी बढ़ गए। 700 वेबसाइट्स ऐसे एटलीस्ट हैक हो चुकी है इन द लास्ट 4 इयर्स। काफी सारे केसेस भी, साइबर क्राइम केसेस भी रजिस्टर हुए, लोग अरेस्ट हुए इन केसेस में। अगला न्यूज आइटम है साउथ कश्मीर सीट्स आफ्टर 7 डाई इन कुलगाम एनकाउंटर। तो ये कुलगाम श्रीनगर के से 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट्स मारे गए और इवन 2 सोल्जर्स की भी मौत हो गई। तो इट वाज एन एक्सचेंज ऑफ फायरिंग। तो ये इसमें से 4 मिलिटेंट्स में से 2 हिजबुल मुजाहिदीन के थे और 2 लश्कर-ए-तैयबा के थे। पर जब ये एनकाउंटर के, तो ये लोकल यहाँ पे मिलिटेंट्स थे, तो जब ये एनकाउंटर की न्यूज आई तो कश्मीर में काफी जगहों पे क्लैशेस के न्यूज आए और काफी सारे लोग सिविलियंस इंजर्ड भी है, बुलेट इंजरीज है 12 लोगों को, ये हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है। फिर अगला न्यूज आइटम है सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर्स में। तो ये हमने पहले 9 फेब को भी एडिटोरियल सेक्शन में, एडिटोरियल क्वेश्चन मार्क सेक्शन में देखा था, एक आर्टिकल आया था कि इंडिया में मिलिट्री का एक सेंट्रलाइज्ड हेड होना चाहिए, सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होना चाहिए। फिलहाल ऐसे है कि जो ऑल द 3 आर्म्स है आर्म फोर्सेस के, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, हर एक एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को। तो एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर नहीं है इफेक्टिव, तो ये पोस्ट बनानी चाहिए। तो 2 वेज है, 2 तरीके जिससे ये हो सकता है। एक है कि परमानेंट चेयरमैन बनाया जाए ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो ये इजियर एंड कन्वीनियंट वे, क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑलरेडी है। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में सारे चीफ है, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स के चीफ एंड इवन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है उनके भी चीफ है, और साइंटिफिक एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो अटेंड कर सकते हैं। तो ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है और इसके प्रेजेंटली चेयरमैन जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट मेंबर इन सब में से वो चेयरमैन बन जाते हैं। तो इट्स जस्ट अ नॉमिनल हेड एज सच। तो एक परमानेंट चेयरमैन होना चाहिए जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो, जिनके ऊपर पावर्स हो, एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर वो बन सके। तो ये पोस्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 4-स्टार ऑफिसर हो गए जिनको स्पेसिफिक अथॉरिटी क्लियर कट रोल दिया जाएगा। या तो और एक प्रोविजन, और एक ऑप्शन है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये एक नया पोस्ट बनाया जाए, 5-स्टार ऑफिसर हो इस पे और स्पेसिफिक फंक्शंस उनको दिए जाए। तो ये सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर हो। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ये रिफॉर्म लाने के लिए कंसिडर कर रही है और ये कह रहे हैं कि विद इन अ ईयर ये लाया जाएगा। और एक रिकमेंडेशन है जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है, वो है कि थिएटर कमांड्स क्रिएट किए जाए। तो थिएटर कमांड्स मतलब कि सारे सर्विसेज जो है उनकी इंटर ऑपरेबिलिटी पॉसिबल हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सारे असेट्स एक ऑपरेशनल एंटिटी के अंदर हो, तो एफिशिएंसी, ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो सके। तो उसको कहते हैं थिएटर कमांड्स। जैसे थिएटर में डायरेक्शन होता है, सारे प्लेयर्स को डायरेक्ट किया जाता है, ऐसे कमांड बनाए जाए। तो ये भी किया जाएगा ग्रेजुअली, तो ये भी गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। अगला न्यूज आइटम है एनजीटी आस्क्स अबाउट मेथड फॉर चेकिंग फ्यूल एडल्ट्रेशन। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनके पास एक पेटिशन फाइल हुआ है। तो ये जो है फाइल किया गया है बाय दिल्ली रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि फ्यूल क्वालिटी इंस्पेक्ट करने के लिए पेट्रोल पंप्स के पे क्या प्रोविजन है या ये डायरेक्शन दिया जाए कि फ्यूल क्वालिटी चेक की जाए। तो इसके ऊपर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुनवाई की और काफी सारी लेबोरेटरीज है ऑल ओवर द कंट्री, उन्होंने कहा है कि उनके पास फैसिलिटीज नहीं है इम्प्यूरिटीज टेस्ट करने के लिए पेट्रोल डीजल में। तो इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को कहा है कि आप बताओ कि आपके पास क्या मेथोडोलॉजी है, आप एडल्ट्रेशन कैसे चेक करते हो। ऑल्सो एक कमेटी बनाई गई है बाय एनजीटी। तो इसमें सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के मेंबर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के मेंबर्स, इवन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स है। तो ये इंस्पेक्शन करेंगे ऑफ 10 पेट्रोल पंप्स इन दिल्ली एनसीआर रीजन, इनके सैंपल्स इंस्पेक्ट किए जाएंगे फॉर एडल्ट्रेशन। तो ये रिपोर्ट आएगी, तो
आगे और न्यूज आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये एयर पोल्यूशन इन दिल्ली काफी हाई है, काफी और सिटीज में भी स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में एयर पोल्यूशन हाई है। तो इसका रीजन फ्यूल एमिशंस काफी एक मेजर रीजन होता है, तो फ्यूल क्वालिटी क्या है वो चेक करना काफी जरूरी है, इसीलिए ये स्टेप लिया जा रहा है। अगला न्यूज आइटम है, गवर्नमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन टू कॉलोनीज फॉर कश्मीरी पंडित्स। तो कश्मीरी पंडित्स जो कश्मीर वैली में रहते थे, पर 1989-90 में यहाँ पे काफी वायलेंस बढ़ गया था, उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज की जा रही थी, जीनोसाइड हुआ, एथनिक क्लींजिंग की वजह से ये सारे कश्मीरी पंडित्स यहाँ से निकल गए एंड दे आर लिविंग इन एग्जाइल नाउ इन अदर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अराउंड। तो यहाँ पे इसको अभी 28 साल हो गए। तो अब यहाँ पे एक यूनियन मिनिस्टर ने विजिट किया था, तो उन्होंने पूछा कि आप कश्मीरी पंडित्स के क्या डिमांड्स है, जो भी डिमांड्स है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर आपके रिसेटलमेंट के लिए जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स है हम करेंगे। तो कश्मीरी पंडित्स ने पॉइंट किया है कि 1991 में एक मार्गदर्शन रेजोल्यूशन करके उन्होंने पास किया था कश्मीरी पंडित्स ने आफ्टर द एग्जाइल। तो ये इसमें ये था कि ये जो अराउंड 7 लाख कश्मीरी पंडित है अभी, तो इनका एक होमलैंड बनाया जाए, एक यूनियन टेरिटरी स्टेटस दी जाए, विद इन कश्मीर एक रीजन हो इनका, तो वो एक यूनियन टेरिटरी, तो ये वो डिमांड कर रहे हैं। तो जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन है, तो ये कश्मीरी पंडित रीजन टेरिटरी अलग किया जाए। तो अब ये रेजोल्यूशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगी नहीं, या आगे न्यूज में आएगा तो पता चलेगा। अगला न्यूज आइटम है, मल्टी रोल चॉपर मॉडल टू बी अनवील्ड एट एरो इंडिया एक्सपो। तो एरो इंडिया एग्जीबिशन होगा बेंगलुरु में, तो यहाँ पे मल्टी रोल चॉपर, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का मॉडल एक प्लान पुट फोर्थ किया जाएगा। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये डेवलप करेगी। तो ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, 10-10 कैटेगरी में, इट कैन फ्लाई एट 15,000 फीट, उसका रेंज 500 किलोमीटर है, वो 24 मिलिट्री पर्सनल को कैरी कर सकते हैं, फुल्ली इक्विप्ड मिलिट्री पर्सनल, इवन वीवीआईपी फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं फॉर 18 पीपल। तो हाल का पहला भी जो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया तेजस, तो वो डेवलपमेंट में इतने साल निकल गए, मोर देन डेकेड, तो इस वजह से जो रिक्वायरमेंट थी आर्मी नेवी की एयरफोर्स की वो फुलफिल नहीं कर पाए। नेवी ने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया कि तेजस एयरक्राफ्ट उनके रिक्वायरमेंट्स जो अभी वो टेंडर इनिशिएट कर रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए ये तेजस कंसिडर नहीं की जा सकती, क्योंकि इट कैन नॉट फ्लाई ऑफ फ्रॉम दी कैरियर शिप्स, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनसे, तो वो लाइट इंजिन है। तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हुए हाल ने ये डेवलप किया, तो वो रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं कर पा रही है। तो फिलहाल हाल ने कहा है ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डेवलप किया जाएगा, मतलब जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उस बेसिस पे उतने डेवलप किए जाएंगे। इवन वो कह रहे हैं कि ये काफी सारे फंक्शंस के लिए यूज किए जा सकते हैं, इवन फॉर रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, तो काफी सारी इसकी कैपेबिलिटीज है, और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए भी, इवैक्यूएशन के लिए, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी भी है। तो ये इवन जो अभी रशियन MI-17 हेलीकॉप्टर्स यूज किए जाते हैं उसके लिए ये गुड सब्सटीट्यूट होगी। तो इस बेसिस पे ये हाल डेवलप कर रही है, और ये एरो इंडिया एग्जीबिशन में अनवील करेंगे ये प्लान। और दूसरा जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो हाल ने बिल्ड किया है, 5.5 टन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव, तो ये ऑपरेशनल है आर्मी नेवी फोर्सेस में, ये लार्ज नंबर्स में आर्मी एयरफोर्स में लार्ज नंबर्स में ऑपरेशनल है। लेकिन इधर भी काफी सारे ध्रुव में क्रैशेस के न्यूज आए हैं, लास्ट 9 इयर्स में अराउंड 9 क्रैशेस हो चुके हैं, तो ये भी एक कंसर्न है ध्रुव का। इवन ध्रुव एक्सपोर्ट किया गया है टू इक्वेडोर, तो इक्वेडोर कंट्री जो साउथ अमेरिका में, यहाँ पे ध्रुव के हेलीकॉप्टर्स अराउंड 3 हैंडओवर किए गए थे, सेल किए गए थे, तो उनमें तीनों में एक्सीडेंट्स हो गए, क्रैशेस हो गए। तो क्रैशेस हमेशा ध्रुव मशीन और या हेलीकॉप्टर के डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से या उसके प्रॉब्लम नहीं हुए, पर अलग रीजन से भी, मैन मेड रीजन की वजह से भी जब क्रैशेज हुए, तो इक्वेडोर ने अब डिसाइड किया कि वो ध्रुव हेलीकॉप्टर नहीं प्रोक्योर करेगी, जो आगे का कॉन्ट्रैक्ट था वो फुलफिल नहीं किया गया, तो वो एक सेटबैक भी था ध्रुव का। प्लस ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है ये फर्स्ट लाइसेंस अग्रीमेंट के अंदर बनाया गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है इसमें यूरोकॉप्टर का, तो ये इंडिया फर्स्ट नेशन थी जिसके साथ यूरोकॉप्टर ने लाइसेंस अग्रीमेंट साइन किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। तो काफी सारी कंट्रीज के इनपुट्स के साथ ये ध्रुव हेलीकॉप्टर डेवलप किया गया। फिर ये डिटेल से ध्रुव हेलीकॉप्टर की, और इक्वेडोर ने जो हमारा
ध्रुव को रिजेक्ट कर दिया, वो भी बताया गया है। तो इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट है मेंशन्ड, इसकी स्पीड और नो वेटेज 5.5 टन हेलीकॉप्टर, जो सिविलियन यूज के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए भी यूज की जा सकती है। तो ये लिखा हुआ है जो कंट्रीज है, ध्रुव इज यूज इन इंडिया, इसराइल, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल, सुरिनामे, इक्वेडोर ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, वो भी लिखा हुआ है। सिविल यूज के लिए भी यूज की जाती है इंडिया, टर्की और पेरू में, तो ये यूजेज में है ऑल ओवर। अगला न्यूज आइटम है, Naxals possess lethal edge in using IEDs. So IEDs are improvised explosive devices. So ये improvised explosive devices individual बनाए या you know एक organization बनाए, तो ये against the laws of the nation जाके ये conventional unconventional methods use करके जो ammunition assemble करके ये use बनाते हैं in explosive devices, और फिर इसको क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए और अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये आईईडीज इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के यूसेज पे नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया है। नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर इज द नोडल पोस्ट ब्लास्ट एजेंसी एंड इट फंक्शंस अंडर एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये काउंटर टेररिज्म के लिए नोडल एजेंसी एनएसजी। तो इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि आईईडी ब्लास्ट इंसिडेंट्स काफी बढ़ गए 2016 में, पिछले साल से कंपेयर करो तो 26% इंक्रीज है, और काफी सारा ये आईडी ब्लास्ट एलडब्ल्यू स्टेट्स में होते हैं। लाइट एलडब्ल्यू इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मतलब नेक्सलेट्स माओइस्ट, यहाँ पे ये स्टेट्स में काफी यूजेज होता है और यहाँ फेटलिटीज भी काफी हाई है। तो ये सारे इस रिपोर्ट में क्लियरिफाई हुआ है कि 112 डेथ्स हो चुके हैं ये एक्सप्लोसिव्स की वजह से, जिसमें से मैक्सिमम 73 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज में हुए, 14 इंसर्जेंसी हिट एरियाज में हुए और 5 जम्मू एंड कश्मीर में, बाकी 20 है जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में हुए। तो ये आईईडीज के बारे में, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म काफी काफी फेटल है, काफी इसमें डेथ्स होती है, वो यहाँ पे हाईलाइट होता है। अगला न्यूज आइटम है, नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल। तो नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर किया इनटू द सी। तो ये फर्स्ट टेस्ट फायर है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन होने के बाद। तो ये उन्होंने कहा भी था कि हम ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करेंगे, पर ये जो अभी लॉन्च हुआ है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मुसूदान क्लास मिसाइल है। तो ये इसका रेंज उतना नहीं है कि यूएस तक पहुंच पाए, ICBM जो होगी वो यूएस तक पहुंच पाएगी, तो दैट इज अ थ्रेट। और नॉर्थ कोरिया को का साउथ कोरिया को तो थ्रेट है ही, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिफरेंसेस जो है वो हिस्टोरिकल एनिमोसिटी है, और साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट एंडोर्सिंग है, नॉर्थ कोरिया कम्युनिज्म एंडोर्स करती है, बट यहाँ पे डिक्टेटोरियल रेजिम ही फिलहाल है, मिलिटरी रेजिम, और उसकी वजह से यहाँ पे लोगों की सफरिंग भी काफी है। इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम, ज्यादा इंफॉर्मेशन भी बाहर नहीं जाती है इतना, और ये कम्प्लीटली एंटी यूएस स्टांस लेते हैं, और साउथ कोरिया जो नेबरहुड में ही है उनको भी काफी थ्रेट है इनसे। ये काफी सारे मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं, तो ये सारे मिसाइल से इनके, तो ये मुसूदान मिसाइल का रेंज दिखाया गया है, और ये जो ताइपोडोंग मिसाइल से डेवलप कर रहे हैं, तो दिस विल बी एन ICBM, तो ये अलास्का है यहाँ पे यूएसए का पार्ट, वहां तक पहुंच पाएगी। तो दैट इज व्हाट इज प्लान्ड। तो ये नॉर्थ कोरिया एक्चुअली रोक स्टेट माना जाता है, मतलब इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, यूएसए हैज डिक्लेयर्ड इट सो। तो ये काफी थ्रेट्स यूज करके परसुएट करते कंट्रीज को अपना अपनी बात मनवाने के लिए, तो वो है। इवन एज अ रिस्पॉन्स टू दिस, यूएस ने कहा है कि साउथ कोरिया में हम थार्ड, दैट इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ये एस्टेब्लिश करेंगे। तो इस पे चाइना ने भी कंसर्न रेस किया था कि इट्स क्लोज टू इट्स नेबरहुड, चाइना है बिल्कुल यहाँ पे ही है, तो इट्स क्लोज टू चाइना, एक यूएस एयर डिफेंस सिस्टम अगर आएगा तो चाइना का भी कंसर्न होगा। बट दिस से इज बेसिकली टू टारगेट नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया से अगर मिसाइल अटैक होगा तो उसको ये इंटरसेप्टर मिसाइल इन एटमोसफियर डिस्ट्रॉय करेगी, तो ये थर्ड सिस्टम है। तो ये जो है इसके अंदर ये इंटरसेप्टर मिसाइल काइनेटिक एनर्जी यूज करके इसको एलिमिनेट करेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो स्पीड से आ रही है उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्लैश में इतना हीट जनरेट होगा कि ये इनकमिंग मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो इसमें प्रोविजन है। तो ये है थर्ड सिस्टम, ये रडार डिटेक्ट करेंगे इनकमिंग थ्रेट और ये इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की जाएगी, तो इट्स अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फिर अगला न्यूज आइटम है, US denies visa to Pakistan Senate's deputy chairman.
तो सेनेट इज द अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान, तो उनके डेप्यूटी चेयरमैन को यूएसए ने वीजा डिनाई किया। वो विजिट करना चाहते थे यूएस न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पे यूएन हेडक्वार्टर्स है, क्योंकि एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग हो रहा था, तो उसके लिए वो आना चाहते थे, और उनको वीजा रिजेक्ट किया गया। तो ही इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक पार्टी लीडर है, तो ये इनिशिएटिव एक्चुअली सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। अगला न्यूज आइटम है कॉमर्स डिपार्टमेंट स्पेशल आर्म में ड्राइव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये एक रिपोर्ट सबमिट की गई है, ये ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है फ्रॉस्ट एंड सुलिवन, तो इनको कहा गया था एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट किया है रिगार्डिंग फ्यूचर ट्रेड पॉलिसी मॉडल। तो उन्होंने कहा है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट इसमें टॉप पे होना चाहिए ऑन डिसाइडिंग द फ्यूचर ट्रेड पॉलिसी ऑफ द कंट्री, और इसमें सपोर्ट उनको मिलना चाहिए फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये उनका रिकमेंडेशन है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इनको अपॉइंट किया था। फिलहाल जो ट्रेड पॉलिसी बनती है तो इसमें मेजर रोल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के होते हैं। तो ये इनका रिकमेंडेशन है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर ये पूरी ट्रेड पॉलिसी बननी चाहिए। इवन जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ये अपेक्स बॉडी होना चाहिए फॉर ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज, तो ये उन्होंने कहा है। इवन उन्होंने कहा है जो ये इंडियन ट्रेड सर्विसेज है, तो इंडियन ट्रेड सर्विसेज को भी और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हायर प्रोफाइल देना चाहिए। फिलहाल देखा जाता है आईएएस आईएफएस फॉरेन सर्विसेज और रेवेन्यू सर्विसेज वाले सुपीरियर रोल पे होते रादर देन आईटीएस केडर्स, तो ये भी उन्होंने कहा है प्रोफेशनलिज्म यहाँ लाना चाहिए। तो ये उनका रिकमेंडेशन है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड भी जो थी, तो ये प्री इंडस्ट्रियलाइज प्री लिबरलाइजेशन और पोस्ट लिबरलाइजेशन दो फेजेस थे। अभी जो लाना चाहिए वो डीजीएफटी 3 होना चाहिए, थर्ड ना थर्ड वर्जन। तो ये होगा इन द दिस प्रेजेंट एनवायरनमेंट, यहाँ पे ट्रेड प्रमोशन की जरूरत है, तो ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज रिग्रेसली होनी चाहिए इस बेस इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमको इम्प्रूव करना है। तो इंडिया का रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी लो है, इट रैंक्स 130 आउट ऑफ 190 नेशंस, और जो एक पैरामीटर ये होता है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, उसमें इंडिया का रैंक 143। तो इसको इम्प्रूव करने की काफी जरूरत है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसको भी यूज फ्रूटफुली यूज करना चाहिए सिंगल विंडो सिस्टम लाने के लिए वगैरह। तो ये भी उन्होंने रिकमेंड किया है। तो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, तो ये एक्सिम पॉलिसी मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी और प्रिंसिपल्स फॉर इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स ये डिसाइड करती है। तो 1991 से पहले इनको चीफ कंट्रोल ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कहा जाता था, अब इनको डीजीएफटी कहा जाता है। तो ये फिर फैसिलिटेट करने लगे, पहले लाइसेंसिंग एरा था, अब फैसिलिटेट करने लगे, अब प्रोमोट एंडोर्समेंट करना चाहिए, तो एक हायर स्केल पे इसका फंक्शनिंग होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन आया है। अगला न्यूज आइटम है सेंटर प्लान्स टू इन्वेस्ट 2200 करोड़ इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, सो दिस इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड्स। तो मतलब ये फंड से डॉटर फंड्स बनेंगे, और ये डॉटर फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू वेरियस स्टार्टअप कंपनीज। तो स्टार्टअप कंपनीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका 10% कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगा ये डॉटर फंड से आएगा, मतलब जो भी स्टार्टअप कंपनी एस्टेब्लिश की जा रही है तो ये डॉटर फंड उसमें 10% कैपिटल रिक्वायरमेंट देगा, बाकी का 90% वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करे। तो ये गवर्नमेंट यहाँ पे इनिशिएटिव इसलिए ले रही है क्योंकि स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट जल्दी नहीं आता, रिस्की माना जाता है, तो अगर गवर्नमेंट उनको एंडोर्स करेगी और फंडिंग देगी तो और फंडिंग अक्यूमुलेट करने के लिए उनको फैसिलिटेट होगा। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि हमने टारगेट किया है कि हम 2200 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे 2019 तक इन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड। तो ये 2200 करोड़ से काफी सारे डॉटर फंड्स बनेंगे, 10-10% दिए जाएंगे काफी सारे स्टार्टअप्स को, तो और 90% भी आएगा, मतलब ये टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 2200 हम सीड कर रहे हैं तो मोबिलाइज होगा 22,000 करोड़, क्योंकि 90% वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर्स से आए। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया का नेट जीरो इम्पोर्ट होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय 2020। तो इतना हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया जाए और कैपेबिलिटीज बनाए जाए, बल्कि हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट करना चाहिए रादर देन इम्पोर्टिंग इट, तो वो ऑब्जेक्टिव है। और एंजल इन्वेस्टर्स वेंचर कैपिटलिस्ट, इन दोनों में क्या फर्क होता है? तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, सो ये मनी क्राउड इन करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको खुद को अच्छे रिटर्न मिले, ये ऑब्जेक्टिव से। और एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये खुद का, ये इंडिविजुअल्स होते हैं और ये खुद का ही पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और ये है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड
एम ऑफ जीरो इम्पोर्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। फिर अगला न्यूज आइटम है, सेकेंड पब्लिक सेक्टर बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान ऑन द एनविल। तो गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है कि हमारा प्लान है इंद्रधनुष 2 लाने के लिए। तो इंद्रधनुष 1 तो इंद्रधनुष लाया गया था वो 2015 में एक रोड मैप लाया गया था। तो इंद्रधनुष रेनबो की तरह इसमें 7 एरियाज थे जिसमें वर्क करने के लिए हाईलाइट किया गया था। तो ये इंद्रधनुष 2 लाया जाएगा कि और कैपिटलाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का उनको मनी दिया जाए, मॉनेटरी फंडिंग दिया जाए ताकि वो बेजल 3 नॉर्म्स को फुलफिल कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव है। एक एसेट क्वालिटी रिव्यू भी हो रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एसेट क्वालिटी रिव्यू कर रही है। तो बैंक्स में एसेट क्वालिटी क्या है, तो जो टॉप डिफॉल्टिंग अकाउंट्स है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, उनके लिए एडिक्वेट प्रोविजन किया जाए, उनको पहले रिकॉग्नाइज किया जाए, ये सारे प्रोविजन इन प्लेस हो, ये देखने के लिए एक एसेट क्वालिटी रिव्यू किया जा रहा है बाय आरबीआई। तो ये हो जाएगा बाय मार्च 2016-17 एंड। तो उसके बाद ये यहाँ पे इंद्रधनुष 2 लॉन्च किया जाएगा। तो इंद्रधनुष 1 के अंदर भी क्या था देख लेते हैं। इसमें 70,000 करोड़ इन्फ्यूज करने का प्लान था इन स्टेट रन बैंक्स ओवर 4 इयर्स। तो 25,000 फर्स्ट 2 इयर्स में और फिर नेक्स्ट 2 इयर्स में 10,000 करोड़ का ये प्लान था। तो ये है पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये कैपिटल दिया जाएगा। तो ये इंद्रधनुष 1 के अंदर ही था और ये इंद्रधनुष 1 के जो 7 प्रोविजन है वो आप देख सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट्स काफी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में टॉप पोस्ट एमटी थी तो वहां पे अपॉइंटमेंट्स किए गए। सेकंड था बैंक बोर्ड वीडियो बनाया गया। तो दिस हैज बीन फॉर्म्ड हेडेड बाय फॉर्मर कैग विनोद राय। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू बैंक्स नो रेगुलेट करने के लिए, वो स्टडी करने के लिए ये बनाया गया। कैपिटलाइजेशन लिया गया जो हमने अभी डिस्कस किया बैंकिंग सिस्टम में। फिर डी स्ट्रेसिंग किया गया, मतलब जो प्रोजेक्ट्स अप्रूवल डिले हो रहे थे उनको स्पीड अप किया गया, जो नो लोन्स देने वगैरह तो वो अप्रूव किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेजरली लोन्स होते हैं, लॉन्ग एस्टेशन पीरियड होता है उसमें, तो वो अप्रूव किया गया। एम्पावरमेंट मतलब बैंक्स को एम्पावर किया गया कि वो अपने फंक्शनिंग के लिए नॉर्म्स बना सके, रिक्रूट कर सके अपने स्टाफ। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को मॉडिफाई किया गया। रिफॉर्म्स लाया गया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स, तो ये एंश्योर किया गया था। तो ऑफकोर्स ये कम्प्लीटली पॉजिटिव नहीं था, काफी इसमें भी लैक्यूने थी क्योंकि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो भी सेटअप किया गया पर इसका रोल काफी लिमिटेड था। तो इसका फंक्शनिंग इफेक्टिव होने के लिए डिफिकल्ट था कि सारे अपॉइंटमेंट्स रेगुलेट करना, उनके फंक्शनिंग एनपीएस को देखना, तो इतना पावर्स नहीं है इनके पास कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट सब्सटेंशियली हो पाए। कैपिटलाइजेशन किया गया है, डी स्ट्रेसिंग भी हुआ है, अपॉइंटमेंट्स हमने देखा अभी किए गए, गवर्नेंस इंटरफेरेंस कम करने के भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये सब प्रोविजंस है। फिर ये है बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में जिसके लिए इंद्रधनुष 2 भी एंटर किया जाएगा, रिकैपिटलाइजेशन होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। तो बेसल नॉर्म्स जो है ये बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, जो बेसल स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है, सो इसके अंदर ये फाइनलाइज होता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ओरिजिनली तो 2013 में होना था पर ये एक्सटेंड कर करके अब 2019 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन फुलफिल करने का प्लान है। तो बेसल 1 बेसल 2 नॉर्म्स पहले ही आ चुके, अब बेसल 3 लाया जाएगा। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2007-08 में हुआ तो उसमें पता चला कि फाइनेंशियल रेगुलेशन में डेफिशिएंसीज है जिसको ओवरकम करना चाहिए। तो ये बेसल 2 बेसल 3 का कंपैरिजन भी है। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि कितना कैपिटल बैंक्स के पास होना चाहिए, तो वो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी अभी बेसल 3 में ज्यादा कर दिया गया है। मतलब बैंक्स के पास इनफ कैश कैपिटल होना चाहिए जिससे वो अपना फंक्शनिंग कर सके। तो वो काफी सारे प्रोविजंस होते हैं जैसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, तो रिस्क वेटेड एसेट्स कितने उतने हिसाब से कैपिटल होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो हम देखेंगे आगे। फिर बैंक लिक्विडिटी इंक्रीज किया है, मतलब लिक्विडिटी मतलब लिक्विड एसेट्स हो, जैसे कैश लिक्विड एसेट है, गोल्ड है लिक्विड एसेट है, इजिली सेल होके उसका कैश में कन्वर्ट होके आगे ट्रांजेक्शन कर सकते हो मनी से। पर जैसे प्रॉपर्टी है तो दैट इज नॉट सो लिक्विड क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको बायर्स ढूंढने होंगे, सेल करना होगा, फिर उसके बाद आपको जब मनी मिलेगा तो आप वो लिक्विड बनेगा। तो इसीलिए बैंक लिक्विडिटी भी इंक्रीज करना चाहिए, वो प्रोविजन है इसमें। और बैंक लीवरेज डिक्रीज करना चाहिए। तो बैंक लीवरेज जो होता है ये है कि आप डेट कितना यूज करते हैं टू इन्वेस्ट फर्दर एंड मेक प्रॉफिट्स। मतलब बैंक्स को लायबिलिटी भी है, जो अकाउंट्स है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स ये बैंक्स की लायबिलिटीज है। तो ये लायबिलिटीज मतलब कभी भी अगर ये अकाउंट में से पैसा विड्रॉ हो रहा है तो बैंक के पास वो पैसा होना चाहिए, तो ये लायबिलिटीज उनके डेट्स ही समझेगा। तो ये ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, लीवरेज कम करना चाहिए,
तो वो प्रोविजन सेफगार्ड्स लाने के लिए ये बेसल थ्री नॉर्म्स लाए गए। फिर ये है रिगार्डिंग द वेरियस कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये फिगर्स, ये एटलीस्ट ये फिगर आपको याद रखना चाहिए, मिनिमम रेशियो ऑफ टोटल कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स। तो ये बेसल टू में 8% था कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स परसेंट 8% एटलीस्ट होना चाहिए। अब बेसल थ्री में 11.5% हो जाएगा। तो इसीलिए कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है, रिकैपिटलाइजेशन अभी हो रहा है। तो बैंक फंडिंग कर रही है, सॉरी गवर्नमेंट बैंक्स की फंडिंग कर रही है। फिर ये अगला न्यूज आइटम है, स्टडी लिंक्स गट बैक्टीरिया टू अल्जाइमर्स। तो ये अल्जाइमर्स डिजीज होती है, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, मेमोरी लॉस हो जाती है। तो इसमें ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर माना जाता है। इसमें ब्रेन्स में यहाँ पे ये बीटा एमिलॉइड प्लाक पाया जाता है, इसके लम्ब्स पाए जाते हैं। तो नर्व फाइबर्स यहाँ पे डैमेज होते हैं, ब्रेन में डैमेज होता है। तो ये जो गट बैक्टीरिया होता है, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, उससे डायरेक्ट कोरिलेशन है। मतलब अगर गट बैक्टीरिया कम है तो बीटा एमिलॉइड प्लैक्स भी कम होते हैं और इसीलिए अल्जाइमर्स के डेवलपमेंट्स भी कम हो जाते हैं। तो पॉसिबिलिटीज, तो ये एक स्टडी माइस पे की गई जिससे ये डायरेक्ट लीकेज क्लियरली सामने आया है। तो इससे नए ट्रीटमेंट्स के तरीके भी इनिशिएट किए जा सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। तो ये एक स्टडी है। तो ये गट बैक्टीरिया जो है इसका कितने हो गए, कंपोजिशन क्या हो गए, कौन से बैक्टीरिया होगा, ये डिपेंड करता है कि आप बर्थ पे आपको कौन से बैक्टीरिया मिले, यू हैव रिसीव्ड एट बर्थ। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पे भी डिपेंड करता है, डाइट पे डिपेंड करता है। तो ये स्टडी में, ये रिसर्च में सामने आया है। अगला न्यूज आइटम है, कॉमेट 45P विल पास बाय द अर्थ। तो ये कॉमेट है 45P जो फिलहाल क्लोज पास होगी। तो कॉमेट्स भी दे रिवॉल्व अराउंड द सन, तो दे आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। एंड ये जो है इनका हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, तो ये काफी लॉन्ग पासेज करते हैं, सन से काफी दूर हो जाते हैं, फिर दे गो वेरी क्लोज टू द सन। तो ये ऑर्बिट ऐसे होता है इनका, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो ये जो फिलहाल की ये 45P रॉकेट है, ये शॉर्ट पीरियड रॉकेट है। तो इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन कम है। और ये जो कॉमेट्स होते हैं, तो कॉमेट्स के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनकी एक टेल होती है। तो कॉमेट्स आर कॉल्ड स्नो डर्ट स्नोबॉल्स, तो आइस डस्ट और गैसेस से बना होता है। तो ये कॉमेट्स जब सन के पास जाते हैं तो इनको सन सोलर विंड्स की वजह से और सोलर लाइट प्रेशर की वजह से ये डस्ट आइस यहाँ से आउट डीगैसिंग होता है। तो एक डीगैसिंग प्रोसेस की वजह से ये कॉमेट के न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं, इसीलिए वो टेल बन जाती है। तो कॉमेट्स आर जनरली नोन बाय द टेल दैट दे हैव। तो ये कॉमेट्स क्लोज पास बाय करेगी तो इसके कंपोनेंट्स की भी स्टडी किया जा सकती है और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि कॉमेट्स हैव आल्सो बीन फॉर्मड इन द सोलर सिस्टम फ्रॉम द सन व्हेन यू नो न्यूली बॉर्न सन था और एडजॉइनिंग रीजन में ये कॉमेट्स बने हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड एज सच, इसके बारे में ज्यादा क्लूज मिल सकते हैं बाय स्टडिंग दीज मटीरियल्स एंड द कॉमेट जब ये क्लोज पास बाय करेगी। फिर अगला न्यूज आइटम है, हंट फॉर ऑसिलॉन्स बिगिंस। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट से उन्होंने कैलकुलेट किया है कि ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल्स जो बिग बैंग के टाइम पे जनरेट हुए थे वो क्या फ्रीक्वेंसी के थे और वो प्रिसाइसली क्या क्या थे वो ऐसे। तो वो जो रीजन से एमिट हुए थे उसको ऑसिलॉन्स कहते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स प्रेडिक्ट किया गया फर्स्ट टाइम बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन 1916 में उन्होंने कहा, बट ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किए गए इन 2016। तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो होते हैं ये सारे मटेरियल एक्सिलरेटिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो मासेस जो होगी वो इमिट करेगी। तो ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रैवल करते थ्रू आउट द यूनिवर्स, तो वो यूनिवर्स की ज्योमेट्री ऑफ स्पेस को भी मॉडिफाई करते डिस्टॉर्ट करते। तो ये जो मासेस काफी हाई होते हैं उनके जो ग्रेविटेशनल वेव्स है फिर भी डिटेक्ट किए जा सकते, बाकी नहीं होते। तो ये दो मासिव ब्लैक होल्स जब मर्ज करते तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो एमिट होते वो डिटेक्ट किए गए। तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी लीगो जो यूएसए में एस्टैब्लिश है यहाँ पे ये डिटेक्ट किए गए 2016 में फर्स्ट टाइम। तो ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करते ये हमने डिटेक्ट कर लिया है। तो ये अभी रिसर्चर्स जो है वो ये देख रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स बिग बैंग के टाइम पे एमिट हुए थे तो उनकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी क्या थी और वो कहाँ से एमिट हुए थे। तो वो ये ऑसिलॉन्स जो है ये वो टर्म उस रीजन को दिया गया है। तो बिग बैंग भी क्या है कि बिग बैंग मीन्स एक कंप्रेस्ड मास एक्सप्लोड हुआ और वो एक्सप्लोजन की वजह से सारा मटेरियल स्प्रेड आउट हुआ। और बिग बैंग के हिसाब से अभी तक यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, मतलब वो जो फोर्स से स्पीड से वो मटेरियल मूव किया था वो अभी भी वो उनको वो मूवमेंट अभी भी चालू है। तो यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपांडिंग इज व्हाट इज बिलीव। तो ये
बिग बैंग थ्योरी में जो ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स जो तभी इनिशिएट हुए थे वो उसको इन्फ्लेटॉन कहते हैं। तो ये इन्फ्लेटॉन्स जो है यहाँ कहा जाता है, जैसे इन्फ्लेटॉन्स थे काफी सारा उनके पे फ्लक्चुएशन हुआ बिकॉज ऑफ द बिग बैंग, और जो रीजन में वो फॉर्म हुए तो वहाँ लोकलाइज रीजन में यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स भी एमिट हुए, तो ये मासेस की वजह से। तो ये रीजन को ऑसिलॉन्स कहा जाता है, और ऑसिलॉन्स तो अभी एग्जिस्ट नहीं करते पर ग्रेविटेशनल वेव्स जो यहाँ पे एमिट हुए थे वो अभी तक मूव हो रहे हैं एंड दे स्टिल एग्जिस्ट एंड दे कैन बी डिटेक्टेड। सो ये जो थ्योरी है ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने के लिए, तो ऑसिलॉन्स अगर समझे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो बिग बैंग के टाइम पे एमिट हुए थे वो समझे जाएंगे, और इससे ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो इसके लिए ये ऑसिलॉन्स के बारे में थ्योरी है, तो ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी है, तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स थ्योरी, और ये ग्रेविटेशनल वेव्स, तो जो ऑसिलेशंस होते हैं दे पास थ्रू स्पेस टाइम, दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, और जैसे वो ट्रैवल करते हैं उनका स्ट्रेंथ वीकन होता है, तो इसीलिए काफी टाइम जो ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं अर्थ तक पहुंचते पहुंचते काफी वीक हो जाते हैं एंड दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इसीलिए जो ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं काफी मासिव होते हैं ब्लैक होल्स, तो इसीलिए जब ये ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं तो वो फिर भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं। और ये लीगो ऑब्जर्वेटरीज जो है यहाँ पे यूएस में दो है, तीसरा यूएस बनाना चाहती है इन इंडिया, तो उसको इंडिगो कहा जाता है, तो इंडिया लीगो ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि लीगो ऑब्जर्वेटरी के भी पोजीशंस ऐसे होने चाहिए कि दे आर फार अपार्ट, ज्योग्राफिकली टू प्लेस लोकेशन सुटेबल होनी चाहिए ताकि दीज ग्रेविटेशनल वेव्स कैन बी इफेक्टिवली डिटेक्टेड। तो ये इंडिया में भी किया जाएगा, और ये लीगो है, तो यहाँ पे लेजर लाइट एमिट की जाती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में है, तो ये लेजर सोर्स एमिट की जाती है, यहाँ बीम स्प्लिटर होता है, तो ये बीम दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं और फिर ये बीम रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं, तो ये दो मिरर्स है दो साइड पे, तो रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं और यहाँ पे ये डिटेक्ट किए जाते हैं। तो अगर ये रिफ्लेक्ट होके वापस आने में डीले होता है, मतलब ये ग्रेविटेशनल वेव पास हुआ जिसकी वजह से ये डीले आया, तो ये प्रिसाइस इंफॉर्मेशन यूज करते, टाइमिंग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इसमें है जो यूज करके ये डिटेक्ट किया जाता है और ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किए जाते हैं, तो ये प्रिसीजन इंडस्ट्री के लिए भी काफी बेनिफिशियल है ये टेक्नोलॉजी। अगला न्यूज आइटम है इंफॉर्मेशन कास्केड्स इन हनी बी स्वार्मिंग बिहेवियर। तो ये साइंटिस्ट ने हनी बी बिहेवियर को स्टडी किया है, हनी बीज का साइंटिफिक नेम है एपिस मेलिफेरा, तो इनका कम्युनिकेशन पैटर्न जो है वो कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है इसमें, और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कास्केड से पैटर्न बासन होता है। तो ये क्या दो टर्म्स है, इंफॉर्मेशन कास्केड क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है हम समझेंगे। तो ये हनी बी बिहेवियर को स्टडी किया गया है, तो एक एग्जाम्पल भी दिया गया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन मेकिंग होता है। तो हनी बीज को अगर फॉर एग्जाम्पल एक ओल्ड हाइव को अबैंडन करना है, तो एक सेट ऑफ हनी बीज होगी वो स्काउट करेंगे बाहर जाएंगे और नए हाइव की पोटेंशियल लोकेशन ढूंढेंगे और ये इंफॉर्मेशन लेके वो वापस आएंगे और ये कम्युनिकेट करेंगे थ्रू अ वैगल डांस। तो ये वैगल डांस को रिस्पॉन्स मिलता है फ्रॉम बाकी अदर हनी बीज, तो ये हनी बीज अगर अप्रूव करते हैं तो वो भी वैगल डांस करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंटली अपना हनी बीज डिसीजन लेते हैं, और जब तक ये वोटिंग जैसे हो गया, तो ये जब तक मिनिमम पॉजिटिव वोट्स नहीं आते तो वो देख वेट किया जाता है, एक बार आ गए तो फिर डिसीजन लिया गया और सारे हनी बीज स्वार्म आउट करते ओल्ड हाइव को छोड़ के न्यू हाइव के पास जाते, तो कुछ यूनिफॉर्म कंसेंसस नहीं लिया जाता, बाकी लोगों का एंडोर्समेंट नहीं लिया जाता, एक बार हो गया डिसीजन एंड यू नो वोटिंग एंड द डिसीजन इज टेकन। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो सिस्टम होता है कि कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम कैसा है, तो कंट्रोल अगर सेंट्रलाइज्ड है और कम्युनिकेशन भी सेंट्रलाइज्ड है तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर होगा, अगर कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है पर कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये सबको कम्युनिकेशन जा रहा है, जैसे एक क्लाइंट सर्वर है तो सर्वर के पास पूरा कंट्रोल है पर क्लाइंट्स के साथ सबके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन है पर कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है। अगर कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड है पर कम्युनिकेशन सेंट्रलाइज्ड है तो ये वर्चुअल नेटवर्किंग सिस्टम जो होता है, तो कम्युनिकेशन सेंट्रलाइज्ड होता है एक एक सोर्स से आते हैं पर कंट्रोल जो होता है सबको दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, तो ये होता है। और दूसरा लास्ट है कंट्रोल और कम्युनिकेशन दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो इकोसिस्टम मॉडल जो हम देख रहे हैं, ये कंट्रोल कम्युनिकेशन सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। फिर ये इंफॉर्मेशन कास्केड क्या होता है, तो ये इंफॉर्मेशन कास्केड का भी एग्जांपल दिया गया है, तो इट्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, तो मतलब कि आप जो बिहेवियर आपका होगा दैट विल बी डिसाइडेड नॉट जस्ट बाय अ प्रेजेंट लोकल इवेंट बट बाय अ लार्ज स्केल इवेंट,
लार्जर इवेंट है वो भी आपको इन्फ्लुएंस करती है, तो उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन कास्केट। तो ये एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि फेसबुक पे पोस्ट है, तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो फेसबुक पोस्ट को, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पोस्ट कंटेंट, वो एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट आप पोस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि जो न्यूज फीड है फेसबुक में काफी सारे वो पोस्ट रिलेटेड है, तो दैट लार्जर इवेंट गेट्स योर अटेंशन टू दिस स्मॉल वन पोस्ट लोकल इवेंट। तो ये इसको कहा जाता है इन्फॉर्मेशन कास्केट। सो योर बिहेवियर इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर लोकल इवेंट, बट लार्जर आस्पेक्ट भी आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये है, तो ये सब स्टडीज से इवन ह्यूमन इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। फिर और एक न्यूज आइटम है, IIT मद्रास रोल ऑफ मशरूम स्पोर्स इन एटमॉस्फेरिक बायो एरोसिल स्टडी। तो ये बायो एरोसिल्स जो होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में जो ये एयर में पार्टिकल्स होते हैं, तो मशरूम्स के बायो एरोसिल्स बन जाते हैं, तो इनका क्या रोल होता है? बायो एरोसिल्स तो ये होते हैं एटमॉस्फेयर में, पर इसके रोल क्या होते हैं? तो इससे नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि ये एलर्जी जनरेट करते हैं इन ह्यूमंस, कॉज ऑफ एलर्जी होते हैं, इवन प्लांट्स एनिमल्स को हेल्थ को डैमेज करते हैं। पर और भी एक फंक्शन है बायो एरोसिल्स के, ये रीजनल क्लाइमेट को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे न्यूक्लियाई बन जाते हैं फॉर यू नो कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये यू नो कन्वेक्टिव क्लाउड्स को डेवलप करने में भी यू नो असिस्ट कर सकते हैं। तो ये भी उनके फंक्शन से ये पॉसिबल है, ये स्टडी में सामने आया है, तो ये स्टडी की जा रही है। तो IIT मद्रास कैंपस जो है वो बहुत बड़ा 678 एकर कैंपस है, तो इट्स कंसिडर्ड एज एन इकोलॉजिकल आइलैंड, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन बायोम। तो ये बायोम में कैसा रिस्पॉन्स होगा ये स्टडी करने के लिए, अगर ये IIT मद्रास कैंपस में भी स्टडी किया जाएगा तो इट कैन बी नो एक्सट्रापोलेटेड फर्दर। तो ये मशरूम्स जो होते हैं ये मानसून सीजन में ग्रो होते हैं, और टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब फेवरेबल होती है तो ये स्पोर्स इनके एयर में रिलीज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो लोग जो फंक्शन करते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो लाइक आइस न्यूक्लियाई होते हैं, फंगल स्पोर्स जैसे होते हैं, तो वो ऐसे वो वेपर्स कंडेंस करते हैं ये स्पोर्स और वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स फॉर्मेशन में असिस्ट करते हैं। तो यही है न्यूज आइटम्स, थैंक यू।